नमस्कार, इंडिया 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रिपोर्टर सोहन पोड़िया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उचाना हलके से आम आदमी पार्टी के नेता अनिल डाहौला। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके इंडिया 18 में आपके दर्शकों का हाथ जोड़कर मेरी राम राम छोटे बड़े भाई। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है, क्या करें? आम आदमी पार्टी का जनाधार दिल्ली विकास मॉडल पर बढ़ रहा है। हर आदमी, हर बच्चा के मुंह पे आम आदमी पार्टी का जनाधार है। वह चाहे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी आए। तो अगर बात करें लगातार जिस तरह से पंजाब में जो जनता के साथ वायदे किए थे आम आदमी पार्टी ने, कहीं ना कहीं खरा उतरना शुरू कर दिया है। 300 यूनिट बिजली की बात करें, ऐसे में भी वो भी फ्री कर दी गई है। पंजाब में पहली बार सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने 21,000 युवाओं को नौकरी पक्की कर दी। 35,000 नौकरी अभी खोल दी। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 12 घंटे खेत ही फ्री कर दी। इसी मॉडल पर हरियाणा में भी पूरा जोर आम आदमी पार्टी इलेक्शन। बात करें तो लगातार अगर महंगाई की, बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, गरीब लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से। और ऐसे में अगर बात करें शिक्षा की, बात करें रोजगार की, बात करें पेपर लीक हो रहे हैं, और विकास की बात कर रही है बीजेपी सरकार। विकास कड़ा कर रहा है, बताइए पहले किस जगह पे कर रहा है? रोजगार पे कर रहा है? किस तरह नौकरी मिली है रोजगार पे? शिक्षा पे कितने स्कूल खोले, कितने बढ़कर न शिक्षा मिली है? कोरोना काल तक 10 दिन स्कूल खोला, 4 महीने बाद फिर खोलते हैं। डेढ़ लंडर बाड़क बना दिए, जो बाला बड़े बड़े बूढ़े बड्डे कर दिए, वह काम ही कर दिया। उनसे इनकी शिक्षा का वो कर दिए, ओ स्वास्थ्य का वो कर दिया। हॉस्पिटल को उनसे बड़े बड़े बना दिए है। इस बात पर आम आदमी पार्टी बेधड़कता है। दिल्ली में काम करे, पंजाब में शुरू कर दी, हरियाणा में भी करें। अगर बात करें तो उचाना हलके की बात करेंगे हम, आप उचाना हलके से हो, और लगातार बात करें तो दुष्यंत चौटाला वहाँ से MLA बने। उसके बाद अगर बात करें तो समर्थन बीजेपी को दे दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, और जिस तरह से डिप्टी सीएम बने, तो ऐसे में अब की बार 24 के इलेक्शन में किस प्रकार, किस तरीके से, किस रणनीति के तहत आप उनको फाइट कर पाएंगे? उचाना मैं दूसरी बहुत बड़ा धोखा दे गया लोग आता है। इतना बड़ा धोखा कोई भी नहीं दे सकता जी। इतना उसकी गद्दारी करिए लोगों के साथ, 47,000 वोटर जिताया, तो उसका अच्छा प्रेम दिखाए नहीं। अगर बीजेपी ये जीता नहीं थी, वीरेंद्र ना जीता देंगे, बीजेपी की गोदी में जा बैठा। बीजेपी कारणी थी प्रदेश का कि ऐड बढ़ाया, नाश करे प्रदेश का, जड़ान का काम करा, किसानों का गलास की हालत बनाई थी, आदि का काम करना होता तो सिंह ने गलत काम करा, बहुत बड़े गद्दारी करी थी। अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से 29 मई को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल एक रैली करने वाले हैं, कौन कौन लोग शामिल रहेंगे और इस रैली का क्या इफेक्ट रहेगा, क्यों ये रैली की जा रही है? 29 तारीख को बहुत बड़ी लाखों लोगों की, कार्यकर्ता की भीड़ होनी है। इसमें भगवत मान पंजाब का मुख्यमंत्री आवेगा। दिल्ली पंजाब के कामों का बारे में बताऊँगे। निश्चित तौर पर सब हरियाणा में एक तरफी जीत होगा, आने ये आगाज हो जाएगा, साफ रास्ते हो जाएंगे, सारी पार्टी बिछड़ गई है। 24 को के जो इलेक्शन है, जो 2024 की बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ जिस तरह से इफेक्ट रहेगा? पंजाब की बात करें, पंजाब में जिस तरह से सरकार बनी है उसमें अगर हरियाणा की बात कर लें तो उसका इफेक्ट क्या कुछ रहेगा? पंजाब में यार इलेक्शन ही होया है, 2 महीने मुख्यमंत्री बने ना होया है। ये तो पहले इतने वादे पूरे कर दिए, इनके तो आज तक भी नहीं करे इतने। तो बिजली फ्री कर दी, उस पर वो कर दिया, रोजगार देने लग रहा, पक्की नौकरी कर दी जो DC रेट पर लगे हुए थे। आज भी उसे मुद्दा पर हरियाणा पर लड़ा जाऊगा, शिक्षा पर, रोजगार पर, जो आम जन पर, स्वास्थ्य पर, जो गरीब गरीब बच्चे हैं उनकी हर शिक्षा चाहिए। जो गरीब आदमी यार पढ़ा ही नहीं सकता किसी ने, वो कुकर पढ़ा होगा। एक बार फिर से कोरोना को लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि चौथी लहर आ रही है, बीजेपी कह रही है नाश करना भारत का, इनकी कुकरे कर दो, मरोड़ तरोड़ का 4 महीने ठीक रहा गए, इतने पटड़ी पर चढ़ा है आदमी, फिर उसे ताला पटक दिया है। एक बार ठेके बंद को नहीं करते, स्कूल बंद करते हैं, सबसे बड़ा नाश कर रहे, देश का भविष्य का नाश कर रहे हैं। रोजगार है, आपने कल परसों खबर सुनी होगी तालुगाम की, एक बच्चा ने इतने दिन 2-3 साल मेहनत करी, आज जो एवरेज हो गया कि वो आज फांसी पे भी लटक गया बिना नौकरी। फौज की तैयारी करी, अगला का पेपर लीक कर दे हैं, कोई डेट सर कर दे हैं, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ करते हैं।
आप लगातार उचाना हल्के के लोगों से मिल रहे, जनता से मिल रहे हैं, तो ऐसे में उनका क्या कुछ जो रिव्यू है वो आ रहा, फीडबैक क्या रहा? मैं किसी भी गांव में घर मैं किसी भी गांव में घुस जाऊँ तो हर आदमी दुष्यंत चौटाला ने पूरे जिला का गाड़ देने लग रहा है कि इस दुष्यंत ने जो उचाना का नाश करना है करा है, इसका अहम भूमिका दुष्यंत चौटाला की। हर आदमी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि आम आदमी पार्टी है जो आदमी को रोजगार दे सका है, शिक्षा दे सका अपने बच्चे का। गरीब आदमी है तो आज ईसा काम हो रहा है, गरीब आदमी तो अपना सरकार प्राइवेट स्कूल में बच्चे ने पढ़ाई नहीं सकता। वही उसी मुद्दा पे नहीं हर घर में कि एक ही आवाज है कि आम आदमी पार्टी लियानी है। वही बात करें तो किसान आंदोलन के दौरान दुष्यंत चौटाला का एक बयान सामने आया था किसान आंदोलन के बाद कि जो लोग कहते थे कि घुसने नहीं देंगे बीजेपी के नेताओं और जेजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे, आज वो लोग पर्ची लेकर काम करवाने के लिए आ रहे हैं। देखो जब खटखट टोल पर जो आदमी जिस उचाना हल्का है उन्हें आदमी जो खटखट टोल पर किसान बैठे थे उन्हें आदमी ने 47,000 रुपये वे आदमी गाड़ गाड़ में फिरे थे, आज उन्हें आदमी तो बोला है कि मेरा तो पर्ची लेकर जीता रखा है फरी में को नहीं मना रखा जदे जीता था जदे हम नहीं उसका दौर जावा पर्ची देगा गुंजा दे छाती ठोक कर जावा है। हर किसान का हक है, हर गरीब बालक का हक है, हर मजदूर का हक है कि अपना कल्याण खातर परी में घुन बना रखा जनता ने अपना उस खातर बना रखा काम करवाने खातर। तो आपके हल्के की जनता जिस तरह से उचाना की लगातार आप भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे 2024 में? तो हर आदमी से एक अपील करूं, हर अपनी माता बहन से एक अपील करूं, छोटा बड़ा भाई से एक अपील करूं कि इन परिवारवाद ने ख़त्म कर दो। कोई या वीरेंद्र कोई या चौटाला किसी गरीब आदमी की कोई भी ईमानदार आदमी को बनाओ और फिर अपना उचाना हल्का ना देखियो कितने बड़ी तरक्की करके दिखावा। तो बताना चाहूँगा आपका इसमें जेजेपी बीजेपी कांग्रेस के बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, वह भी बहुत पार्टी में सदस्यता लेंगे या मैं आपका पार्टी में लाखों लोग आएंगे जो इस क्षेत्र की धरती में अपनी जीत निश्चित करके हरियाणा में एक ईमानदार सरकार बनाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ अनिल डाहौला, लगातार उचाना हल्के के जो लोग हैं जनता से लगातार मिलते रहते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार करते रहते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इनको भी उम्मीद है कि 2024 में उचाना की हल्के की जो जनता है वो अपने वोट से अन्य विपक्षी पार्टियों को हराने का काम करेगी और आम आदमी पार्टी को जिताने का काम करेगी। और विकास मॉडल की बात करें तो लगातार पंजाब और दिल्ली के विकास मॉडल पर हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल पाल के साथ सोहन पौड़िया, इंडिया 18, जींद।